हरलाखी प्रखंड मुख्यालय उमगांव के किसान भवन में राजद नेता निशांत शेखर के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिल्टू दास व मंच संचालन जिला अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ के नवल किशोर यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों को मिथिला के पाग दुपट्टा व फूलमाला से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी ने कहा कि पार्टी को मजबूत संगठित बनाने के लिए सभी जिलों में मिशन 2025 के तैयारी को लेकर बैठक चल रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी अपराध चरम पर है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है, डबल इंजन की सरकार से हर तबके के लोग त्रस्त है। इसलिए जनता ने ठान लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक एक वोट तेजस्वी यादव को देकर मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने की अपील कार्यकर्ताओं से की। वहीं राजद नेता निशांत शेखर ने कहा कि पूरे बिहार के लोग लालू यादव व तेजस्वी पर विश्वास करते हैं। केंद्र में मोदी सरकार करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली और न ही किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए। जब तक एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी तब तक गरीबों पर जुल्म होता रहेगा, इसलिए आगामी चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसको लेकर पार्टी के हर कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातिमी, पूर्व विधायक सीताराम यादव, प्रदीप प्रभाकर, डॉक्टर बीके यादव, मोहम्मद आलम शेख, प्रदीप यादव, राजद नेत्री प्रिया राज, सीताराम यादव, विष्णुदेव सिंह यादव, शिवचंद्र गोपाल यादव, वीरेंद्र कुमार, अशेश्वर यादव, अमृता सिंह, दानिश इकबाल समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आपका पेट में दर्द है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, आपको आंख में मोतियाबिंद है तो आंख के ऑपरेशन के यहाँ आप जाइएगा। आपका लड़ाई दूसरा आदमी कौन लड़ेगा? आपको लड़ना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। राज्य सरकार में कानून बनते हैं और बिगड़ते हैं। जिस जनहित में अगर कानून बनाना पड़े तो राज्य सरकार को बनाना चाहिए। हम आपसे अपील करने आए हैं बिहार भर के अपने हक और अधिकार के लिए आपको नमन दिखाइए और राज्य सरकार को घेरने का काम करिए कि हमारा पेंशन क्यों नहीं मिलेगा, हमारा सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं मिलेगा, जितना हमारी राशि मिलनी चाहिए उतना क्यों नहीं मिलेगा। देखिए मुखिया जी तो बिहार में आधा दर्जन एक दर्जन पार्टियां हैं। मुखिया जी कुछ कांग्रेस में है, कुछ बीजेपी में है, कुछ जदयू में है, कुछ राजद में है और छोटी छोटी पार्टियां में बिखरे हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सब जो मुखिया जी है राष्ट्रीय जनता दल में चले जाइए, हम नहीं मानते हैं। जिनको जहाँ पसंद है उस दल में आप काम करिए, लेकिन अपने हक और अधिकार की जब बात हो तो दल से ऊपर उठ करके हमारे मुखिया और जिला परिषद अपने हक और अधिकार के लिए पटना में आप आंदोलन करने का काम करिए। कहता कि दिल के टुकड़े हजार हुआ, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, जब आपस में बिखरे हुए रहिएगा तो आपका अधिकार नहीं मिलेगा। इसी ढंग से उपेक्षा पर उपेक्षा होते जाएगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए, आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है, क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है, क्या मल त्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है, पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, सहरघाट, मधुबनी।